वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद श्रीटू। हैप्पी न्यू ईयर इन बंगाली, शुभ नव वर्ष। तो आज है संडे और मैं आप लोग को लेट विश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग का नया साल बहुत ही खराब गया। बिकॉज उस दिन ना ही करंट था और ना ही नेट था, तो करंट दो दिन बाद आया है। सैटरडे को करंट गया, यहाँ पे बारिश हुआ था बहुत, तो इसलिए मैं उस दिन ब्लॉग भी नहीं कर पाई। सोची थी आप लोग के साथ मैं न्यू ईयर जो भी मैं कर रही हूँ तो सेलिब्रेट आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट हुआ नहीं। तो आज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ छाना का पानी। तो ये मैंने 1 लीटर का अमूल ताज़ा दूध लिया है, टोटल 2.5 लीटर लगेगा, लेकिन छेना जो है 1 लीटर दूध का छेना बनेगा और 1.5 लीटर दूध से खीर बनेगा। तो छेना खीर बनाने जा रहे हैं, जिसको बंगाली में छाना पायस बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या होता। तो ये मैं दूध उबालने के लिए रख दी हूँ। तो ये दूध उबलने लगा है, तो अभी इसमें मैं 2 चम्मच नींबू का रस डाल दूंगी। तो ये छेना बन के रेडी है। छेना बन गया है और अभी ये खीर के लिए आगे का प्रोसेस शुरू कर दी हूँ मैं। 1 लीटर दूध अभी उबलने के लिए रख दिए हैं। ये मलाई बनाने के लिए दूध को उबालते रहेंगे। लेते हैं दूध कितना घना हुआ है। तो ये दूध थोड़ा सा घना हो चुका है अभी। तो ये खजूर गुड़ मैंने ले लिया है, तो ये मैं इसमें डालूंगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसको डालने से ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको मैं अभी डाल देती हूँ। तो अभी थोड़ा चला लेंगे ऐसे। मैंने यहाँ पे इसमें गुड़ डाला है, इसलिए उसी हिसाब से मैं इसमें चीनी भी डालूंगी। आप जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। इसको फिर से ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये अभी और घना होगा, अभी भी ये थोड़ा सा पतला ही है। थोड़ा सा और घना करने के लिए इसको रख देते हैं। इसमें इलायची पाउडर डालूंगी। तो देखिए इसका कलर अभी से कितना अच्छा होने लगा है, और भी इसका कलर आएगा। ये देखिए दूध गाढ़ा हो चुका है, 1.5 किलो दूध गाढ़ा होके इतना कम हो गया है और ये दाना बन रहा है, इसका मतलब ये गाढ़ा हो चुका है। इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। अभी इसमें मैं जो छेना था वो मैं डाल दूंगी। ये रहा छेना। तो ये छाना का पायस बन के रेडी है, एकदम घना सा बना है और बहुत ही देखने में यम्मी लग रहा था। तो चलिए इसको थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए अभी इसमें मैं आलमंड जो है उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। तो ये आलमंड जो है ये मैंने काट लिया है, इसको अभी गार्निशिंग करना है। तो चलिए ये छाना पायस रेडी है, तो अभी मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ। तो ये छाना का पायस रेडी है बनके। तो आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सभी को मेरी तरफ से फिर से शुभ नववर्ष हो।